आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। पुलाव तो बहुत सारी वैरायटीज का होता है, आज हम सिर्फ मटर का बना रहे हैं। पहले तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है, उसके बीच में अब हम ये जीरा डालेंगे, फिर ये अब अनियन डालेंगे, ये अनियन, ये सारा प्याज डाल के हम इसको अच्छे से अब सिर कर लेंगे। तब तक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। थोड़ा सा हम टेस्ट के लिए इसमें गार्लिक भी डालेंगे, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, उसको भी प्याज के साथ अच्छे से सॉटे कर लेंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है, पर इसको थोड़ा और गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ये मिर्ची डाल रहे हैं। हम जितनी आप जितना स्पाइसी खा सकते हैं आप उतनी मिर्ची डालिए, आज अकॉर्डिंग टू योर स्पाइसीनेस। और हम इसमें अब थोड़ा सॉल्ट भी ऐड करेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ये हम ज़्यादा नहीं डाल सकते। और अगर आप चाहें तो आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं अपने पुलाव में हल्दी नहीं ऐड करती। अब हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करते ही टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे साथ में, उसको भी अच्छे से मर्ज कर लेंगे इसके बीच में। फिर एक अच्छा सा रेड कलर आ गया हुआ है, इसमें हमें कलर ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको हम अच्छे से पानी इसका सुखा लेंगे, जब तक ये पानी नहीं सूखता तब तक हम इसको अच्छे से सॉटे होने देंगे। इन बिटवीन हमने राइस भी सोक कर लिए हैं अपने पुलाव के लिए, इसको भी हम 10 to 15 मिनट सोक करके रखेंगे राइस को पानी में। ये ऑलमोस्ट सॉटे हो गया है, अब इसमें हम अपने मटर डालेंगे। मटर को भी अच्छे से सॉटे कर लेंगे, बट इसको हम इतना ही कुक करेंगे जितना ये हाफ डन हो जाए, ना कि फुल, क्योंकि जब हमने उसको राइस में भी करना है तब भी तो फुल डन हो जाएंगे। अगर हम इसको फुल डन कर देंगे इसी टाइम राइस से पहले ही, तो ये जब हम राइस में इसको मिक्स करेंगे तब इसके बीच में ये एकदम मर्ज हो जाएंगे, तब हमें मटर दिखाई ही नहीं देंगे, तो इसलिए हम इनको हाफ डन ही करेंगे। हमने राइस कुकर में पानी ले लिया है, अब इसमें हम अपने राइस ऐड कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारे मटर हाफ डन हो गए हैं, अब हम इनको ट्रांसफ़र करने वाले हैं राइस कुकर में। बिफोर ट्रांसफरिंग हम इसमें पहले जो हमारे राइस हैं इसको हम थोड़ा गर्म कर लेंगे, राइस कुकर को ऑन कर लेंगे। राइस में भी थोड़ा सा हम नमक ऐड कर लेंगे एंड एज यूजुअल आवर फेवरेट घी भी हम राइस में पहले थोड़ा ऐड कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा सा ऐड करने से राइस हमारे स्मूथ रेडी होते हैं। स्मूथ मीन्स कि सॉफ्ट रेडी होते हैं। अब हम ये मटर को ट्रांसफ़र करने लगे हैं राइस कुकर में, राइस के बीच में अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर जितना टाइम लगेगा रेडी होने में पुलाव को, हार्डली आई थिंक 15 to 20 मिनट्स लगेंगे जिसमें पुलाव हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम ये मटर अपने राइस में ट्रांसफ़र करने लगे हैं। बस को मिक्स भी कर लेंगे। जब ये सारा करने के बाद ये जब इसमें हल्का सा बॉईल आ जाएगा तब हमें अपना सॉल्ट चेक करना है कि सॉल्ट कम तो नहीं, अगर कम हो तो हम उसे ऐड करेंगे। देन इसमें अब हम ये ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देंगे जिसे हम धनिया कहते हैं, ये फ्लेवर के लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो पुलाव है ये विदाउट एनी मसाला है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अगर आप चाहें तो आप इसमें मसाला भी ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, ये बिना मसाले के बना, इट्स रियली वेरी डिलीशियस बनेगा। होपफुली आप सब भी ये ट्राई करेंगे अपने घर में एक बार बनाने के लिए। ये ऑलमोस्ट अब रेडी होने वाला है, इसको अभी भी टाइम लगेगा 15 to 20 मिनट्स, सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, अभी बिल्कुल फुल कुक हो जाएंगे। होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया।